2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे, गुलामी की द्वार फेंकेंगे, देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे, सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वाले नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। संकल्प यात्रा है, उसकी शुरुआत होने जा रही है सर। यहाँ पे भले ही आज टेम्परेचर माइनस में रहा हो और जो तैयारियां हैं, जो जोश है सर, वो लोगों का देखते ही बनता है सर। कम से कम अभी हमारे साथ 2000 लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं सर, और ये जो जनजातीय गौरव दिवस है उसकी सेलिब्रेशन के लिए और विकसित भारत संपर्क यात्रा की सेलिब्रेशन के लिए हमारे साथ जुड़े हैं सर। सर, ये लोग इस चीज़ में भी बहुत ज़्यादा प्राइड महसूस करते हैं कि जहाँ एक तरफ गुरेज का इलाका, एक कोने का इलाका, दूर दराज पिछड़ा इलाका जाना जाता था, आज वो फोरफ्रंट है और कई सारे मामलों में वो नंबर वन पैरामीटर्स पे चल रहा है सर। सर, अगर मैं तरक्याती कामों की बात करूं, डेवलपमेंटल जो वर्क्स हमारे यहाँ पे हुए हैं सर, पिछले 3 सालों में सर जो डायरेक्टली पैसा इन्फ्लक्स हुआ है वो 161 करोड़ है सर, जो कि इस छोटे से सब डिविजन ने पहले कभी इतना बड़ा अमाउंट की डेवलपमेंट नहीं देखी थी सर। आज हमें जो प्रोग्राम गवर्नमेंट की तरफ से रखा था, इसके हम बहुत शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट के। कोई भी स्कीम हमारे इस वक्त हमारे में चलती है, आवाम को वो स्कीमें पहुंचती है, वो मौकम एग्रीकल्चर होगा, वो शिप डिपार्टमेंट होगा, वो वेटरनरी डिपार्टमेंट है, या वो केवी जो एक मौकम है या उनका होगा। हम हर एक मौकम का शुक्रगुजार है जिससे हमारे गुरेज को बेनिफिट मिलता है। हम गवर्नमेंट के भी शुक्रगुजार हैं, हम डीसी साहब के शुक्रगुजार हैं, जो हमारा गुरेज कहीं किसी जगह पहले से वजूद में नहीं था, आज हमारे पर बहुत फैसिलिटियाँ बनी जिससे गवर्नमेंट के तरक्याती जो कामे थे वो हो गए, और हमारे इस वक्त रोड का जो मसला है वो भी ओपन रखते हैं। हम गवर्नमेंट के बहुत शुक्रगुजार हैं। हमारे पास छोटो रंग छोटो खस्त सक भी मन खटा।